हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, शहर 24 अगस्त और बहुत स्पेशल टाइम है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी। कितने लोगों ने फ्राइडे को मना ली है और कोई लोग सैटरडे को मना। और मेरे घर में काफ़ी मैसअप हो गया एक्चुअली, और क्योंकि आज फेस्टिवल भी है तो काफ़ी काम भी रहते हैं। आज सैटरडे है तो सैटरडे संडे मिलता अपने पुराने काम जो अधूरे होते उसको पूरा करने के लिए। तो अभी हबी बना रहे हैं घी। एक्चुअली मेरे वहाँ 6 महीने हो गए थे फ्रिज में, तो 6 महीने से मैंने घी नहीं बनाया था, तो हबी सब बना रहे हैं घी। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए वो बना रहे हैं घी। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मैं उनकी तरफ से अपने व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर की तरफ से बोल देती थैंक यू। तो ये हबी बना रहे हैं, 5-6 महीना हो गया था घी बनाया था मैंने। देखिए बन गया घी। घी बनाते वक्त काफी गैस भी लगती है, वैसे मेहनत का भी काम होता है घी बनाना, इट्स नॉट दैट मच इजी। हम काफी टाइम से लगे हैं, आई थिंक 2-3 घंटा हमको खड़े खड़े हो गया है। तो आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन हो रही है कृष्ण जन्माष्टमी की? आप लोगों ने क्या प्रिपेयर किया और क्या स्वीट डिश बना रहे हो आप सब लोग? कुछ लोग अगर सैटरडे को कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं तो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, मुझको भी पता चले कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो। और जिन्होंने मना ली है तो प्लीज अपनी कृष्ण भगवान की फोटोज मेरे कमेंट बॉक्स में आएगी, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं है, तो आप बता सकते हो लेकिन कि कैसे आप लोगों ने मनाई। मैंने मोस्टली सामान बिग बास्केट से ऑर्डर किया था, तो मेरा जो भी मुझको चाहिए था मोस्टली सामान आ गया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ग्रैंड वे में मनाऊंगी कृष्ण जन्माष्टमी, हम 3 ही लोग हैं तो इतना नहीं करती हूँ। हाँ, बस डेकोरेट कर लेती हूँ और थोड़ा सा प्रसाद चला दूंगी, क्योंकि बेबी छोटे से भी बहुत ध्यान देना पड़ता है ना, ये भागता है। अभी थोड़ी देर में इसको मुझे नीचे रखना पड़ेगा, अभी अपनी हाई चेयर में बैठा हुआ है। हेलो बोलो सबको, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, है ना। ये हमारे घर की छोटी कृष्ण कन्हैया है। एक्चुअली मैं इसको कुछ ऐसा पहना नहीं रही हूँ, ऐसे ड्रेस जैसे लोग ड्रेसअप करते हैं ना कृष्ण भगवान का बच्चों को, एक्चुअली ये बहुत छोटा है तो उस वजह से अभी इसकी इतनी अकल भी नहीं है कि कृष्ण भगवान को। मैं सोची नेक्स्ट ईयर उसको अच्छे से ड्रेसअप करूंगी। पहले मेरा प्लान था कि उसको मैं वो कृष्ण भगवान जी का एक वो दूं, गेटअप दूं, लेकिन यहाँ इतनी बारिश हो रही है और मेरे एरिया में इतनी डस्ट है कि जाना बाहर बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको कुछ किया नहीं, बस इसको धुला धुला के तैयार कर दूंगी और ताकि ये पूजा में शामिल हो जाए। ये खिला रहे हैं बेबी को आप सेरेलेक खाना। बेबी तो फास्ट नहीं रख सकता है ना, तो उसको खिलाना पड़ेगा सेरेलेक। देखो कितने नख रहे हैं मेरे बेबी के, नहीं खाता है खाना। मोबाइल फोन में भी उसके लिए हमने सॉन्ग लगा रखा है ताकि वो खाना खाए। बहुत नखरे हैं खाना खाने में। ये वाले गाने अभी भी आते हैं, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, ये तो हमारे टाइम के गाने हैं। नन्ना मुन्ना रायू देश का सिपाहियों, बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद। मुझे लगता है जब आपका बेबी हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि आप अपना बचपन फिर से जी रहे हो, क्योंकि आपको मेरे साथ वही चीजें रिवाइंड होती है, वही सॉन्ग्स, वही चीजें, है ना। और आप कभी कभी बच्चे के साथ बच्चा भी बन जाते हो। गुड बॉय, इसको खिलाना। ओ माय गॉड, कल मैं इसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए बैठाया था, मैंने इसको 9:30 में ब्रेकफास्ट करने के लिए, इसने 11:30 बजा दिए तब जाके इसका ब्रेकफास्ट हुआ। इतना टाइम लगा देता है अकेले में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द चाइल्ड। अब हो गया 8:30 और मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की।
आरती अपने घर की और अब टाइम हो गया प्रसाद का और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। एक्चुअली मैंने ज्यादा आइटम नहीं बनाया बट जो भी बनाया आई होप मेरी फैमिली को पसंद आया, उनको टेस्टी लगे और आप लोग भी आरती लीजिए ना। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो फ्रेंड्स मैंने आरती कर ली है और ये सरप्राइज खुल रहा है कि मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई है लेकिन आई होप भगवान जी को अच्छा लगेगा और वो प्रसाद ये ग्रहण करेंगे। मैंने बनाया है आलू खीर और रायता फलाहार के लिए और थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखे हैं मैंने मंदिर में और ये मिठाई रखी है। फाइनली हमारा जन्माष्टमी का उत्सव ऐसे ही मन रहा है। आप लोगों ने क्या क्या किया जन्माष्टमी में आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझको बताना। अब हम इंजॉय करते हैं प्रसाद। तो अब मैं खा रही हूँ प्रसाद। मैंने आलू और रायता बनाया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये ब्लॉग खत्म करती हूँ। आई होप आपके छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और आपने कैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई आप ये कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना। बाय गुड नाइट। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।